हे गाइस, वेलकम बैक टू चल। कैसे मेरे गेम की दीवानों, आई होप बहुत ही मजा होगी जैसे कि तुम्हारा भाई है। तो गाइस, दिसंबर का महीना जाने वाला है। जी हां गाइस, तो आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड ये रहती है कि आशु भैया आपने हमें कंसोल तो दिला दिया, या कंसोल तो दिखाते ही रहते हो, ठीक है। तो अब इसके जो गेम्स होते हैं ना, वो काफी कॉस्टली होते हैं, काफी महंगे आते हैं। आपको पता है, एक एक नया गेम आप परचेस करने जाओगे ना प्लेस्टेशन 4 का या 5 का, तो 4,000, 5,000, 3,500, 3,800 समथिंग गेम्स होता है, ठीक है। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड ये रहती है, आशु भैया हमने प्लेस्टेशन तो ले लिया, ठीक है, आपकी वीडियो देख कर ले लिया, या मतलब लिया, लेने वाले हो आप लोग, जिन लोगों ने ले लिया, तो उनकी यही क्वेरी रहता है कि हम प्लेस्टेशन तो ले लें, क्योंकि आप लोगों को पता हाथी पालना तो आसान, उसका खर्चा उठाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, प्लेस्टेशन 4 में दो कैटेगरी होती है, एक उसको आप सीडी से खेल सकते हो, या उसको जेल ब्रेक कराकर खेल सकते हो, ठीक है। तो जेल ब्रेक देखो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन देखो जब बजट नहीं होता, हमारे भाई बड़े शहरों में नहीं रहते, गांव देहात में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, छोटे शहरों कस्बों में रहते हैं, मतलब जहाँ पर जेल ब्रेक की जो गेम्स है ना वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मतलब वो लोग उसको परचेज कर लेते हैं कि एक बार ले लेते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार जेल ब्रेक वाला ले लो, 15 गेम्स आते हैं, 2-4-5 महीने के लिए छुट्टी। तो दूसरी कैटेगरी वो होती है जो प्लेस्टेशन 4 होता है, उसमें आप लोग ऑनलाइन खेलते हो सीडी डालकर। जी हां गाइस, आप पहले प्लेस्टेशन 4 लेते हो, सीडी अलग से बाय करनी पड़ती है, या तो आप प्लेस्टेशन मेंबरशिप कार्ड ले लो, ठीक है, उसके अंदर आपको हर महीने 2 या 3 गेम्स होनी देते ही है, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खामा कहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो कैटेगरी होती है, जेल ब्रेक वाली, एक सीडी वाला। तो जेल ब्रेक वाला मैंने आपको बताई दिया, वो किन लोगों के लिए जिनका बजट नहीं होता वो मतलब जेल ब्रेक वाला ले लेते हैं। लेकिन देखो, जेल ब्रेक में आप ऑनलाइन नहीं खेल सकते, और आज आपको पता है जब से पबजी इंडिया के अंदर आया, जी हां गाइस, उसने एक रेवोल्यूशन ला दिया गेमिंग इंडस्ट्रीज में। जी हां गाइस, सबको ऑनलाइन गेमिंग पसंद है, फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है, और देखो मैं खुद भी मतलब सीडी से ही खेलता हूं, जेल ब्रेक मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन तुम्हारे भाई ने एक जेल ब्रेक वाला सेट ले रखा है और एक सीडी वाला ले रखा है, ठीक है। तो कोई नया गेम खेलना होता है तो मैं सीडी खरीद का मतलब खेल लेता हूं, और पुराने गेम खेलने होते तो मैं जेल ब्रेक में खेल लेता हूं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। प्लेस्टेशन 4 एक ऐसा कंसोल है गाइस, उसके सारे गेम्स है ना सेकंड हैंड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको वही सब बताने वाला हूं कि प्लेस्टेशन 4 के अंदर जी गाइस वो टॉप 10 गेम कौन से हैं जो मेरे फेवरेट हैं, इनको मैं खेलता हूं, और मतलब पहले भी खेलता था, अब भी खेलता हूं और खेलता रहूंगा। जी हां गाइस, मतलब इन फ्यूचर कितने भी गेम्स आ जाए गाइस, उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको टॉप 10 गेम दिखाऊंगा PS4 के। चलिए करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना वीडियो। हां गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो मैं रात में 2 से 2:30 बजे करीब मतलब न्यूज सुन रहा था, ठीक है। तो मैंने सुना है कोविड मतलब दोबारा से फैल रहा है, और चाइना में आप अगर आपने न्यूज नहीं देखी तो आप देख लेना, चाइना में बहुत बुरा हाल है, और मतलब यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, मतलब काफी जितनी भारी कंट्री है सब में बहुत बुरा हाल है, और इंडिया के अंदर भी मतलब कुछ कुछ केस निकल रहे हैं, ठीक है। एक नया वायरस भी आ रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना, मेरे भाई मेरे गेम के दीवानों, ठीक है, सेफ रहना, मास्क लगाना, ठीक है, और थोड़ा जो दूरी होती है वो मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये देखो टॉप 10 गेम्स दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है टॉप 10 गेम्स जो कि मेरे फेवरेट हैं। अब आपके कौन से फेवरेट हैं वो आप लिस्ट अप डाउन करके देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले देखो जो मेरा आपका हम सबका फेवरेट गेम है, जी गाइस, जिसके बिना प्लेस्टेशन कंसोल PS3 हो, PS4 हो, PS5 हो, लेना बेकार है। तो जो भी कोई भी कंसोल खरीदता है ये गेम तो जरूर चाहिए होती है, जो कि और वो गेम है, जी गाइस, मैं उसको नंबर 1 पर रखना चाहता हूं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये मेरा नंबर 1 है, आप अपना मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी नंबर 1 पर रख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हो GTA 5 चल रहा है, तो नंबर 1 पर जो गेम होने वाला है वो हमारा यही है, ठीक है, ये रहा GTA 5, ठीक है। तो ये है GTA 5, और मेरा आपका हम सबका फेवरेट गेम है। GTA 6 तो पता नहीं कब आएगा, यही चल रहा है, स्टोरी मोड इसका कंप्लीट कर लिया। मेरे को पता बहुत लोग कहेंगे यार ये तो पकाऊ लगता है, इसे खेलते जा रहे हैं, लेकिन गाइस इसका ऑनलाइन वर्जन जो है ना बहुत ही जबरदस्त है, नए नए DLC इसके अंदर आते रहते हैं, तो इसको आप मस्ट जरूर खेलो यार, नंबर 1 पे यही रिकमेंड करूंगा। PS3 हो, PS4 हो, PS5 हो, GTA 5 नहीं खेली तो क्या खेला यार, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारा GTA 5 होने वाला है, और ये देखो नया 1600-1700 रुपए का आता है, और सेकंड हैंड में आपको ये 1000 रुपए का समथिंग मिल जाता है, 1000-1200 अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है, जो पहली बार कंसोल बाय कर रहा है वो ये ले सकता है, ठीक है। और देखो दूसरे नंबर पर जो मैं गेम्स आपको बताने वाला हूँ ना, उस गेम ने गाइस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। गाइस थोड़ा सा पुराना है, 2018 में आया था, ठीक है, लेकिन तहलका मचा दिया था, आज भी वो चल रहा है, और मेरे को नहीं लगता शायद ही मतलब ऐसा गेम अब काफी सालों तक आ पाएगा, ठीक है। तो वो गेम होने वाला है जी गाइस, ये देखिए मेरी जान, Red Dead Redemption 2। जी हाँ गाइस, यही है वो गेम मतलब जिसने यार मतलब गेमिंग इंडस्ट्रीज को मतलब काफी ज्यादा मतलब बूस्ट दिया, एक ऐसा गेम रिलीज किया यार, मतलब यार इस गेम की मतलब जितनी भी तारीफ करूंगा ना गाइस कम है, और जिन भाइयों ने खेल रखा उनको पता ही है, जो नहीं खेल रहे, जिनको नहीं पता गाइस,
मतलब जिन्होंने नए नए कॉन्सोल लिए तो इस गेम को भी आप जरूर लेना यार। GTA 5 के बाद दूसरे नंबर में आपको रिकमेंड करूंगा Red Dead Redemption 2, आपको जरूर खेलनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको नया तो समथिंग वही 2200 2400 2500 तक इसका अप डाउन चलता रहता है। सेकंड हैंड में ये भी आपको 1300 1400 1200 1200 से 1500 तक अप डाउन इसका भी चलता रहता है। तो ये भी गेम बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जी हाँ गाइज, एक ऐसा गेम जो कि मेरा भी मतलब वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉपुलर गेम है, जो मेरे को काफी अच्छा लगा जी हाँ गाइज, वो होने वाला है ये रहा Assassin's Creed Valhalla। जी हाँ गाइज, ये काफी जबरदस्त गेम है और Assassin's Creed की जितनी भी सीरीज थी ना सारी जबरदस्त होती है, लेकिन ये गेम बहुत ही जबरदस्त है, हाई ग्राफिक्स है और आप इसको जरूर खेलना। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, गेम प्ले है, ग्राफिक्स है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर ये होने वाला है। और जी हाँ गाइज, चौथे नंबर पर जो मैं आपको गेम दिखाने वाला ना, ओए होए क्या बात है, मतलब इस गेम की भी मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। तो मेरे को पता है, आप लोग गैस करो कौन सा होने वाला है। ठीक है, चलो दिखा देता हूं आपको। चौथे नंबर को जो गेम होने वाला है वो है ये रहा मेरी जान, Ghost of Tsushima। जी हाँ गाइस, ये भी जबरदस्त गेम है और जिन भाइयों ने खेल रखा उनको पता है, जिन्होंने नहीं खेला जरूर खेलना, आपका भाई रेकमेंड कर रहा है आपका, मतलब बहुत ही जबरदस्त गेम लगेगा। गेम प्ले भी अच्छा है, ग्राफिक्स भी अच्छा है और इसने भी काफी अवार्ड यार जीते हैं। ठीक है, तो काफी जबरदस्त गेम है, जिसने मतलब Ghost of Tsushima नहीं खेला तो क्या खेला यार मेरे भाई, जरूर खेलना है। ठीक है, तो अब बात करता हूँ, ठीक है, पांचवें नंबर पर जो गेम आने वाली है। जी हाँ गाइस, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, आज भी चल रहा है, डिमांड में है और बहुत ही हाई ग्राफिक्स है इसके भी। जी हाँ गाइस, मैं जितने भी गेम आपको आज के वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूँ सारे अच्छे ग्राफिक्स के हैं, स्टोरी भी अच्छी है। और देखो, मेरे को स्टोरी मोड ही ज्यादा पसंद आते हैं, ऑनलाइन ठीक होते हैं लेकिन मेरे को भी ऑनलाइन गेम मतलब कम ही पसंद आते हैं, इंटरेस्ट जो है ना कैंपेन गेम में रहता है, मैं भी स्टोरी मोड ही खेलता हूँ। ठीक है, पांचवें नंबर का जो गेम आ रहा ना गाइस, वो भी काफी जबरदस्त है, जो कि होने वाला है ये रहा लास्ट ऑफ अस 2। जी हाँ गाइस, काफी जबरदस्त गेम है। ठीक है, आप लोगों ने अगर इसका फर्स्ट पार्ट खेला है तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्या गेम था यार ये, ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है। जी हाँ गाइस, बहुत ही जबरदस्त गेम है और जब ये रिलीज हुआ था इसने भी काफी झंडे गाड़े थे, काफी जबरदस्त गेम है। ठीक है, तो ये भी आज की डेट में काफी सस्ता मिल जाएगा, 1200-1200 रुपए समथिंग आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, आज भी गाइस 700 से लेकर 1500 तक अच्छे अच्छे टाइटल आ जाते हैं, तो टेंशन ना लिया करो। अगर आपको सीडी वाला लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत मत लो। ठीक है, तो ये भी आपको 1200-1300 रुपए का समथिंग मिल जाता है, अप डाउन इसके भी चलते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है और पैसा वसूल गेम है गाइस, जरूर खेलना इसको। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नंबर 6 पर मेरा फेवरेट गेम कौन सा है। जी गाइस, मतलब गेम्स तो बहुत सारे हैं, ये मैं अपने फेवरेट बता रहा हूँ और जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ आपको जरूर खेलना चाहिए अगर आप प्लेस्टेशन 4 ले रहे हो तो। ठीक है, तो अब जो गेम आने वाला है ना गाइस छठे नंबर पर, वो होने वाला है ये देखो मेरी जान, Days Gone। ठीक है, ये भी काफी जबरदस्त गेम है मेरी जान और इसको भी 3 से 4 साल हो चुके हैं लेकिन गाइस आए हुए, लेकिन गाइस आज भी ये गेम आप जब भी खेलोगे ना हो आपका दिल खुश हो जाएगा मेरी जान। ऐसा गेम है ना, ये ऐसा गेम है ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम, मतलब लास्ट ऑफ अस की थोड़ी सी जो मैंने आपको दिखाया लास्ट ऑफ अस 2 उसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये एक ऐसा गेम है ना, जी हाँ गाइस, मतलब पूरी दुनिया मतलब खत्म हो जाती है, सब कुछ इधर उधर, सिर्फ एक मतलब सारा गेम मतलब जंगल में है, एक हमारा जो हीरो है वो इधर उधर सर्वाइव करता है और अपनी एक प्रेमिका होती है उसको ढूंढना, मतलब काफी यार अच्छी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी भी है और गेम प्ले भी बहुत जबरदस्त है, तो इसको भी आप जरूर खेल सकते हो। और ये तो बहुत ज्यादा सस्ता आता है, 4 साल गेम मतलब पुराना है ये। ठीक है, तो इस टाइम पर बहुत सस्ता है ये, आपको मिल जाएगा कितने का, ओनली 700-800 रुपए का समथिंग मिल जाएगा सेकंड हैंड में, आप इसे भी ले सकते हो। ठीक है, इसका भी थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, तो आप इसको भी खेलना जरूर, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। Days Gone एक बहुत ही जबरदस्त गेम है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 पर कौन सा गेम होने वाला है। जी हाँ गाइस, वो होने वाला है मेरा आपका सबका फेवरेट और इसके अभी पार्ट 2 आया भी नया नया, उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, जबरदस्त गेम है, अभी भी लोग खेल रहे हैं, आपका भाई भी अभी भी खेल रहा है इसका पार्ट 2। तो ये आया था 2018 में, तो आप लोग समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है God of War 4। जी हाँ गाइस, God of War 4 इसने रिलीज होते ही मतलब रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, अच्छे ग्राफिक्स हैं, गेम प्ले जबरदस्त है। ठीक है, काफी सालों बाद कोई ऐसा गेम आया था मतलब जो मतलब सबका फेवरेट हो गया था। God of War तो देखो शुरू से ही सबका फेवरेट है जब से चला रहा है, लेकिन इसने मतलब एक नई God of War सीरीज को एक नई मतलब दिशा दी, एक नया गेम मतलब ईजाद किया, इसके विलन भी एक से खतरनाक थे। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आ चुका है God of War Ragnarok, उसको तो मैं रेकमेंड करूंगा ही, लेकिन उससे पहले जिसने ये नहीं खेला इसको भी खेल लेना। और ये तो काफी सस्ती है जी गाइस, 600-700, 500 से 700 रुपए इसका प्राइस रहता है, ये तो Days Gone से भी सस्ती मिल जाएगी, तो इसको भी जरूर खेलना गाइस। ठीक है, 600-700 रुपए में मिल जाएगी समथिंग, इसका भी अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, और आप जी गाइस 8वें नंबर पर जो गेम होने वाला है ना वो भी काफी जबरदस्त है और वो है ये स्पाइडरमैन। जी गाइस, इसका भी
मतलब एक सेकंड पार्ट आ चुका है गॉड ऑफ मतलब स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस, ठीक है, लेकिन वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा है, जबरदस्त है, लेकिन उसका गेम प्ले 6-7-8 घंटे का था ओनली, मतलब ज्यादा बड़ा मन नहीं था। लेकिन मेरे को उससे बेहतरीन ये लगता है, गेम प्ले भी ज्यादा है मतलब, और ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और जबरदस्त लगता है मेरे को यार, ठीक है। तो ये होने वाला है गाइज नंबर 8 पर। जी हाँ गाइज, जो मेरी लिस्ट है आप इसको ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, ये मत कहना ये मैं अपने फेवरेट बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है, ये मेरे को 8वें नंबर पर लगता है, मैं इसको आज भी खेलता हूँ कभी कभी, ठीक है। अब जो मैं आपको नंबर 9 पर जो गेम रेकमेंड करूंगा ना, जी हाँ गाइज, जो ये है मतलब जो हमारे फाइटिंग लवर होते हैं, जी हाँ गाइज, इसमें दो कैटेगरी आती है, आप उसमें से कोई भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा लेना पसंद करोगे, ठीक है। तो नंबर 9 पर होने वाला है ये देखिए मोर्टल कॉम्बैट 11। जी हाँ गाइज, जबरदस्त कॉम्बैट फाइट है, जबरदस्त मतलब बहुत ही क्रूर, खून खान मतलब खून खराबा मतलब बहुत ही खतरनाक इसमें फाइट होती है, जबरदस्त गेम है। आप इसको मल्टीप्लेयर अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, दो बंदे खेलते हैं, इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, बहुत ही जबरदस्त गेम है, एक से एक जबरदस्त इसके अंदर प्लेयर हैं और कॉम्बैट फाइट बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। और एक दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा टेकन 7। जी गाइस, आप अगर टेकन के लवर हैं तो टेकन 7 लो, वरना मोर्टल कॉम्बैट बहुत ही जबरदस्त वाली मतलब गेम्स है। और इसका भी प्राइस गाइस इस टाइम पर आपको 1000 रुपए समथिंग का ये भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा प्राइस हाई ही रहता है, ठीक है, तो 1000-1100 अप डाउन इसका भी चलता रहता है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये भी आप फाइटिंग गेम खेलना चाहते हो टेकन 7 या मोर्टल कॉम्बैट 11 ले सकते हो, ठीक है गाइस। और जी हाँ गाइस, अब जो नंबर 10 पर मैं आपको गेम दिखाने वाला हूँ, मतलब वो होने वाला पबजी का बाप। जी हाँ गाइस, किसका बाप? पबजी का बाप। पबजी हम फोन में खेलते थे, पबजी बैन हो गया लेकिन फिर भी खेल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्ले स्टेशन 4 में अगर आपको पबजी वाली फीलिंग लेनी, तो पबजी भी है प्ले स्टेशन 4 के अंदर, पबजी भी है, पबजी खेल सकते हो। लेकिन पबजी क्या मतलब, पबजी को मतलब आप हाई ग्राफिक में महसूस करना चाहते हो और पबजी जैसा ही एक जबरदस्त गेम आपको चाहिए, तो आप ले सकते हो जी हाँ गाइस इसको, गाइस घोस्ट रिकॉन नंबर 10 पर ये गेम है और ये मेरा फेवरेट है। नंबर 10 मतलब 1 से 10 तक आप अपनी लिस्ट कोई भी रख सकते हो, ये मेरा फेवरेट है, मैं सारे अपने फेवरेट बता रहा हूँ, तो माइंड मत करना ये मेरी लिस्ट थी, ठीक है। तो नंबर 10 पर है घोस्ट रिकॉन, जी हाँ गाइस, और ये जबरदस्त गेम है और आप इसको मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, ऑनलाइन खेल सकते हो। पबजी वाली फीलिंग है, वही मतलब सब कुछ होता है, सर्वाइव करना होता है, जाना है, लेटना है और मतलब एनिमी को मतलब देखना है, मारना है, मतलब और पबजी का मतलब बाप ही समझ लो इसको, पबजी का इनहेंस वर्जन है एक तरह का, ठीक है। तो जिसको पबजी जैसी फीलिंग लेनी है घोस्ट रिकॉन जरूर खेलना, जबरदस्त गेम है, ठीक है। तो जी हाँ गाइस, मैंने आपको आज की वीडियो में जितने भी टॉप 10 गेम्स दिखाए ये मेरे फेवरेट थे, रिकमेंड करूंगा इन्हें आप भी जरूर खेलो। जी हाँ गाइस, देखो सबसे पहली बात तो थोड़े ओल्ड हैं, थोड़े नए हैं, ठीक है, थोड़े मीडियम है, तो इतना कॉस्ट के भी गेम नहीं है, ठीक है, गेम भी सस्ते मिल जाएंगे, आप इन्हें ऑनलाइन भी खेल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इन्हें खेलना चाहते हो, गेम तो बहुत है, हजारों गेम है यार, ठीक है। लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं ना हमारी जिंदगी में मतलब छाप छोड़ जाते हैं, जो गेमिंग की एक लाइफ होती है, गेमर की जो एक लाइफ होती है, उसके माइंड में ऐसा एक गेम आता है मतलब, ठीक है, मतलब उसको खेल के मतलब सालों साल तक भूलता नहीं है। तो यही टॉप 10 गेम्स मेरे फेवरेट थे, आप चाहो आप कोई और भी गेम खेल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ये टॉप 10 गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में जितने भी आपको गेम दिखाए सारे सस्ते हैं, सेकंड हैंड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है और गेम प्ले भी अच्छा है, गेम्स भी अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। जी हाँ गाइस, आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी और मैं मतलब रिकमेंड करूंगा, जी हाँ गाइस दोबारा कह रहा हूँ, इन गेम को जरूर खेलना जो भी प्ले स्टेशन 4 लेना चाहते हैं या मतलब जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही लिया है, ठीक है। तो यही थे गाइस आज की जबरदस्त वाली वीडियो, और आपको कोई और भी गेम खेलना है तो आप उन्हें भी परचेस कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेल चल रही है प्ले स्टेशन 4 के गेम्स पर, ए वाले गेम्स जो है ना गाइस वो भी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, 22 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक जी हाँ गाइस सेल चल रही है प्ले स्टेशन 4 के गेम्स पर, आप किसी भी शॉप से जाकर मतलब ले सकते हो, आप तिलक नगर चले जाओ सनी स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स से ले लो, हमारे प्रभजोत भैया उनकी शॉप से ले सकते हो, ये आप करोल बाग अगर जाना चाहते हो तो वहाँ समुराई कोना से ले सकते हो, हमारे मनी भाई की शॉप है आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मोती नगर जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ डीटी जोन है आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, पालिका बाजार जाना चाहते हो पालिका बाजार चले जाओ, ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगे चले जाओ, सब पर इस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, नए गेम्स पर और कुछ स्पेशल गेम्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, इन पर तो डिस्काउंट चल ही रहा है, ठीक है। और भी आपको कोई भी गेम्स लेना हो सारे इन भाइयों की शॉप पर मिल जाएंगे, सबकी हमने वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो, पर भी उनकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल करके मंगा सकते हो, ठीक है। तो यही थी आज की जबरदस्त वाली वीडियो और आगे भी काफी अमेजिंग वीडियो आ रही है, तबीयत डाउन है इसलिए बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है। तो यही थी आज की जबरदस्त वाली वीडियो, और अच्छी लगे उसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जो भी गेम्स खेलना चाहते हैं, ठीक है, प्ले स्टेशन 4 के, और वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।